हेलो गाइस, वेलकम बैक सोनी टीवी के नए शो मेहंदी वाला घर की ओपनिंग टीआरपी आ चुकी है। तो आइए देखते हैं इस शो ने अपने फर्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म किया। बात करें सोनी टीवी के नए शो मेहंदी वाला घर की, तो इस शो में मेन लीड्स के तौर पर श्रुति आनंद और शहजाद शेख देखने को मिल रहे हैं। ये शो अपने फर्स्ट वीक में 0.4 की ओपनिंग टीआरपी लेकर आया है। पहले सोनी टीवी ने ये डिसाइड किया था कि जिस तरह से श्रीमद् रामायण को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं टेलीकास्ट किया जाता, उसी तरह से इस शो को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन उसके बाद सोनी टीवी ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और इस शो को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से इस शो की जो ओपनिंग टीआरपी है वो 0.4 आई है, जिस तरीके से सोनी टीवी के बाकी के शोज की आती है। इसी वजह से इसकी जो टीआरपी है उसमें सोनी टीवी को कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। लेकिन बात करें दूसरे शोज की, तो उन शोज के मुकाबले में तो थोड़ी सी टीआरपी ज़्यादा है, क्योंकि सोनी टीवी के बाकी के जो शोज़ हैं वो 0.3 की टीआरपी लाए हैं इस वीक, लेकिन ये शो 0.4 की टीआरपी लाया है। तो बाकी के जो शोज़ हैं काव्या, बरसाते या दबंगी, उनसे तो टीआरपी 0.1 इंक्रीज है, लेकिन इसके बावजूद शो ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है सोनी टीवी के लिए। लेकिन अगर हम बाकी के सीरियल्स की तरफ से देखें तो ये शो डिसेंट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस शो को इसके फर्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया गया है, बहुत सी जो ऑडियंस हैं इस शो के साथ अटैच हो गई है और इस शो को देखना चाहते हैं। इसके अलावा बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, क्योंकि श्रुति आनंद जो पहले एक बहुत ही मिडिल क्लास टाइप की देखने को हमें मिली थी, इस शो में बड़ा ही उनका डिफरेंट लुक देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ऑडियंस इस शो के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है। इसके अलावा ये शो बाकी की शोज की तरह नहीं है, बल्कि इस शो में एक बहुत ही हमें कंबाइन फैमिली देखने को मिल रही है, जो किसी वजह से एक दूसरे से जुदा हो गई हैं। और अब श्रुति आनंद जो इस शो में मौली का रोल प्ले कर रही हैं, वो अपनी फैमिली को इकट्ठा करेंगी। अगर आपने इस शो को फर्स्ट वीक में देखा है तो आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा टीवी की दुनिया की तमाम अपडेट्स हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको इस किस्म की हर अपडेट मिलती रहें।